यहाँ विषय की बात सुनी है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ एक बार बात तो सुनिए, जो पशु पक्षी यहाँ पर है उनको उनको बचाना है, तो उसके लिए योजना के लिए सबसे पहले आवश्यकता पानी की, तो अगर उनको पानी पिलाएंगे तभी तो बैंक रहेगा, 1,000 रुपए का खर्चा आएगा, इतना व्यापार ट्यूबवेल अगर वहाँ खुलवा सके तो इससे परमानेंट यह इलाज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक है वृक्ष और पक्षी दोनों का संरक्षण होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए हमारा क्या प्रयास है, सरकारी एजेंसियों के सर्वे किया गया था जिसमें मोस्ट 100 पॉल्यूटेड सिटीज में अपने शहर का नाम दर्ज है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो इसलिए पेड़ों को ये तो बचाने नहीं बल्कि और पेड़ हमारे को लगाने की जरूरत है शहर में, ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो, एयर पॉल्यूशन कम से कम हो। अभी वरिष्ठ लोगों ने अपने अपने सुझाव व्यक्त किए, निश्चित रूप से हरियाली के लिए और पेड़ों के संरक्षण के लिए सभी स्तरों पर प्राइवेट निजी संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं अपने अपने प्रयास करती है, और उसी की देने की कोटा में आज लाखों की स्थिति में पेड़ जीवित हैं। मैं नगर विकास न्यास की तरफ से इस बात को रखना चाहूँगा कि नगर विकास न्यास 3 साल के सर्वे तक को दायित्व देती है और लगभग हर साल 15,000 पेड़ नए लगा रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि हमारा एक भी पेड़ मृत नहीं है। उसके हमारा कोटा बहुत जागरूकता के साथ अपना पार्टिसिपेट करता है और उन सबकी आप सबकी इच्छा रहती है कि हमारा कोटा शहर हरा भरा सुंदर स्वच्छ कोटा शहर हो। तेजी से प्रतिस्पर्धा के कारण बंद हुई और पुनः ये प्रारंभ नहीं हो सकती, हम सभी जानते हैं। मैंने भी राजस्थान सरकार से निवेदन किया था, मैंने कहा साहब ये 136 करोड़ रुपए माफ करके ये बेशकीमती भूखंड है, लगभग 455 बीघा में बसा हुआ और शहर के बिल्कुल मध्य में आईएल की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, और आप लोगों का मेरा सभी का मानना है कि हमारा शहर हरा भरा शहर और ग्रीनरी के लिए हम लगातार काम करते हैं। मेरा तो यहाँ तक मानना भी है कि जो कोटा के आसपास जो फॉरेस्ट वाली एरिया